Good morning, friends. How to draft a perfect job application lectures की सीरीज के सेकेंड लेक्चर में मैं अशोक निर्मलानी आपका इंग्लिश टीचर आपका स्वागत करता हूँ. स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हमने जॉब एप्लीकेशन के फंडामेंटल्स और बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की. इट वॉज अ लॉन्ग लेक्चर बट इट वॉज इक्वली फ्रूटफुल. नाउ आज का लेक्चर उतना लंबा नहीं जाने वाला है. इट विल बी अराउंड 30-35 मिनट्स लेक्चर. क्या डिफरेंट है और क्या ज़्यादा सीखना है आज. पिछले जॉब एप्लीकेशन के अंदर आपको बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी दी गई थी. जॉब एप्लीकेशन कैसे बनता है, रेज्यूमे कैसे बनता है. आज पिछले लेक्चर से क्या बदलेगा. पिछले लेक्चर में जो आपने जॉब एप्लीकेशन बनाया वो एक स्कूल के लिए एप्लीकेशन, आज हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एप्लीकेशन के लिए ट्राई करें. दूसरा, पिछले लेक्चर में जो आपने एप्लीकेशन सीखा था वो एक फ्रेशर का एप्लीकेशन था, और आज जो आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट का एप्लीकेशन है. याद रखिए, गुजरात बोर्ड के लिए ये टॉपिक 7 मार्क्स का. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल टॉपिक. ये टॉपिक के अंदर किसी भी तरह की गलती आपके मार्क्स खा जाती है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर में कि इसका वेटेज भी बटा हुआ है. 4 मार्क का वेटेज इसके लेटर का है, यानी एप्लीकेशन लेटर का, और 3 मार्क का वेटेज इसके रेज्यूमे का. दोनों जगह पर बहुत केयरफुली प्लान करके करिएगा. एक बार आपका जॉब एप्लीकेशन परफेक्ट चला गया, 7 मार्क्स आपको मिल जाए, हमारा टारगेट अच्छा. ठीक है बेटा, चलिए तो समय गवाए बगैर आज का जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है उसी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं. तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन. आज का क्वेश्चन है, अरुण फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव. You are Deepak या फिर Deepa, draft an application for the above mentioned post with complete details. अब यहाँ पे आपको जैसे पढ़ के अंदाजा आता है कि हमारा जो focus है, concentration है, वो अब school job से बाहर निकल कर एक corporate world में चला गया है. तो उसका application क्या अलग होगा, क्या नहीं होगा अलग, क्या similar जाएगा, ये सब चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं. ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले letter भेजने वाले व्यक्ति के एड्रेस, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं दीपक या फिर दीपा. सो दीपक मेहरा J101 राधे हाइट्स. रैंडम एड्रेस है, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर एड्रेस, रैंडम एड्रेस है. आप अपने मन से तैयार कर सकते हैं. एड्रेस का फॉर्मेट आप सबको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. सबसे पहले लेटर भेजने वाले का नाम, फिर एड्रेस शुरू होता है. एड्रेस जो है वो 4 लाइन का होगा, बेसिक एड्रेस, लैंडमार्क, लोकेलिटी एंड सिटी. आई रिपीट, बेसिक एड्रेस, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी. ओके, सो बेसिक एड्रेस J101 राधे हाइट्स, अपोजिट ग्रैंड सिनेमास, ये मल्टीप्लेक्स हो सकता है. ओके, देन आती है लोकेलिटी, मणिनगर, अहमदाबाद 01. मैंने आपको बताया था पिन कोड आप रैंडम चुन सकते हैं, अपनी मर्जी का चुन सकते हैं. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि पिन कोड आपको एग्जैक्ट यही लिखना है. ठीक है, मैं बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ ताकि आपको बार बार पेज वेट ना करना पड़े. ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाती है, डेट. एक लाइन लीव करेंगे और फिर आएगी डेट. डेट जैसे आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, 2 फॉर्मेट्स होते हैं, ब्रिटिश मेथड एंड अमेरिकन मेथड. ब्रिटिश मेथड जाता है डेट मंथ ईयर, अमेरिकन मेथड जाता है मंथ डेट ईयर. एग्जाम में कभी भी इस तरह से डेट मत लिखिएगा. जैसे सपोज आज की डेट है 5th August 2020. नाउ एग्जाम में कभी भी ये तरीका अप्लाई मत करिए. रीजन बीइंग, अगर इसको आप ब्रिटिश मेथड से पढ़िए तो डेट है 5th August 2020, लेकिन अगर इसको आप अमेरिकन मेथड से पढ़ेंगे तो डेट हो जाती है May 8 2020.
तो ये तरीका जो है बेटा ये गलत है, आपको कभी भी इस तरह से डेट नहीं लिखनी है, मार्क्स कट जाएंगे बेटा। हमेशा डेट का तरीका वही यूज करिए जो आप लोगों को नोटिस राइटिंग के दौरान भी मैंने सिखाया था, मैं आज भी वो आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इनकेस आपने वो नोटिस राइटिंग वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, वो हमारी सबसे पॉपुलर सीरीज है। नोटिस राइटिंग का जो पहला लेक्चर था वो हमारा सबसे सक्सेसफुल वीडियो बना है, मोर देन 1000 व्यूज उसको मिले हैं, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि इतने सारे स्टूडेंट्स उसको लाइक करते हैं, उस सीरीज को लाइक करते हैं। वो प्लेलिस्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लस 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैंने खुद ने सारे टॉपिक्स के प्लेलिस्ट बना रखे हैं, मतलब अगर आपको टेक्स्ट का रिवीजन करना है तो टेक्स्ट का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, नोटिस राइटिंग का रिवीजन करना है उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, रिपोर्टेड स्पीच का प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट ऑन कर सकते हैं और वन बाय वन आपके पर्टिकुलर टॉपिक के ही लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब डेट, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी गलती से डेट यानी डेट या फिर डेट ऐसे भी मत लिखिए, ये भी गलत है। पेपर चेक करने वालों को पता है या इवन जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट करते हो उसको पता है कि अगस्त मंथ होता है, उसमें डेट लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, वर्ड्स में डेट लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ओके। तो ये वाला भी गलत है, आज आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, ये गलतियां एग्जाम में मार्क्स आपके खा जाती हैं, इसीलिए गलतियां करनी ही नहीं, ठीक है बेटा। तो कभी भी जैसे हम नॉर्मली डेट लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है। दूसरा, इस तरह से ये वर्ड्स में भी डेट नहीं लिखना है। तो डेट कैसे लिखना है आप बोल रहे होंगे, सर बहुत टेंशन हो रही है, बताइए। बहुत आसान है बेटा, मैं आपको दोनों मेथड्स दे रहा हूं, आप दोनों में से जो चाहे वो मेथड अप्लाई कर सकते, ठीक है। एक तरीका है, जैसे आज की डेट मैंने बताई आपको 5th August 2020, एक तरीका ये, आप इसे इस्तेमाल करिए। या फिर दूसरा मेथड, August 5, 2020, याद रखिएगा, अमेरिकन कल्चर में रैंक सिस्टम नहीं होता। अब आप बोलेंगे रैंक सिस्टम, देखिए ब्रिटिश कल्चर क्या कहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसमें आप जितनी भी डेट्स लिखेंगे उसके ऊपर ST, TH या RD ये लिखा जाता है, फर्स्ट 21st थर्ड तो RD आएगा, फिफ्थ तो TH आएगा, ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को रैंक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अमेरिकन कल्चर में वो नहीं होता, अमेरिकन कल्चर सीधा न्यूमेरिकल्स पे जाता है। सो August 5, 2020 आप दोनों में से जो चाहे कर सकते हैं। इवन यहां पर भी अगर आप TH लिखते हैं तो मार्क्स कटेंगे, इसीलिए अमेरिकन मेथड यूज करते वक्त केयरफुल रहें, कॉशियस रहें। ये बारीकियां हैं बेटा, ये छोटी छोटी बारीकियां याद रखना जरूरी है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी। आप एक चीज याद रखिएगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सलेंस इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सलेंस। दुनिया में हमेशा बेस्ट बनने के बारे में सोचिए, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट कोई नहीं होता, बेस्ट से बेस्ट कोई नहीं होता। इफ यू आर द बेस्ट, यू आर द ओनली वन, आपके जैसा कोई नहीं बन पाएगा, समझे बेटा। तो इन्हीं चीजों पे फोकस करिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे ले जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा, अगर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप ज्यादा डाल देते हैं आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं मेरा पेज बदल रहा हूं, आपका तो पेज कंटिन्यू होगा तो वहीं पे लिखिएगा। अब इसके बाद एक लाइन का स्पेस लीव करना है, दोनों में से कोई एक डेट लिखिएगा, आप दोनों मत लिखिएगा, ये आपके समझाने के लिए। फिर आएगी रिसीवर्स एड्रेस, तो जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, याद रखिएगा, अब आज जो आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो किसी स्कूल के लिए नहीं, तो स्कूल के लिए जब हमने एप्लीकेशन बनाई तो हमने एड्रेस किया था लेटर टू द प्रिंसिपल, लेकिन क्योंकि अब हम कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम लेटर भेजेंगे HR मैनेजर को, दी HR मैनेजर। अभी HR मैनेजर कौन होता है, हर कंपनी के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रिक्रूट किए जाते हैं,
इनका काम ही यही होता है, नए अपॉइंटमेंट्स करना, पुराने एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम सॉल्व करना. बेसिकली दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिसोर्स हम इंसान है. मशीन को कस्टमाइज किया जा सकता है, दिन के 10,000 यूनिट बनाओ, इंसान को नहीं. इंसान अगर मूड में है तो 15,000 यूनिट का काम भी कर सकता है, या फिर मूड में नहीं है तो 5,000 यूनिट का भी काम नहीं करेगा. आप खुद को ही देख लीजिए, जिस दिन आप पढ़ने के मूड में है तो 4 घंटे में सारा काम खत्म, जिस दिन आप पढ़ने के मूड में नहीं है तो 8 घंटे बैठ जाओ फिर भी काम खत्म नहीं होगा. दुनिया का सबसे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड रिसोर्स हम इंसान है, इसीलिए कंपनियों के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर HR मैनेजर्स होते हैं जो रिक्रूटमेंट्स करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं. बेसिकली कंपनी में एम्प्लॉइज लाने का पूरा काम इन्हीं के ऊपर. तो जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को लेटर नहीं भेजेंगे, आप उनके HR मैनेजर को लेटर भेजेंगे, आप उसे अप्रोच करेंगे. ठीक है, द HR मैनेजर कंपनी का नाम है अरुण फाइनेंस कॉर्पोरेशन. अब यहां पे भी आपको एक रैंडम एड्रेस देना पड़ेगा. ठीक है, 604 सुमन बिजनेस हब, ये कोई भी बिल्डिंग का नंबर हो सकता है. ओके, अरुण फाइनेंस कॉर्पोरेशन 604 सुमन बिजनेस हब. नवरंगपुरा अहमदाबाद 03. ओके, मैं पहले भी बता चुका हूं ये एड्रेसेस रैंडम हुआ करते हैं, तो ना पिन कोड ऑथेंटिक करवाने की जरूरत है ना ही एड्रेस. आप अपनी इमेजिनेशन से एड्रेस लिख सकते हैं, 01 से 99 के बीच में कोई भी पिन कोड चुन लीजिए और लगा दीजिए. नोबडी इज गोइंग टू आस्क एनीथिंग. मैं आपको एक फनी चीज बताता हूं, आज से 6-7 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट ने एक रैंडम एड्रेस बनाया था एंड आई वॉज लिटरली लाफिंग ऑन दैट एड्रेस. दैट एड्रेस वॉज, हमने कई बार बोलते हैं क्वेश्चन में नाम नहीं दिए जाते, तो यूजुअली अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें व्यक्ति का नाम प्रोवाइडेड ना हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपक, यहाँ पे दीपा नाम प्रोवाइडेड है, लेकिन तब क्या किया जाए जब नाम प्रोवाइडेड ना हो, तो आपको अल्फाबेट्स पे चले जाना है, ABC, दैट्स इट. लेकिन बच्चे क्रिएटिव होते हैं, तो उस बच्चे ने एड्रेस जो लिखा था, इट वॉज द मोस्ट हिलेरियस एड्रेस दैट आई एवर रेड. उसने एड्रेस लिखा था उसामा बिन लादेन, ध्यान से सुनिएगा, ओसामा बिन लादेन 701 अलकायदा टावर्स तालिबान स्ट्रीट छोटा पाकिस्तान अहमदाबाद. सो ऐसे डेंजरस एड्रेसेस लिखने की कोशिश मत करिए. कई लोग लिखते हैं ऑपोजिट BMW टावर्स नियर ऑडी शोरूम. आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट जितना हो सके इसको सिंपल रखें. ठीक है, HR मैनेजर अरुण फाइनेंस कॉर्पोरेशन 604 सुमन बिजनेस हब नवरंगपुरा अहमदाबाद 03. उसके बाद एक लाइन लीव करेंगे और यहां पे आएगा आपका सब्जेक्ट. आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट of sales executive. ठीक है, अब ये भी आपने लिख दिया, इसके बाद एक लाइन लीव करेंगे और नेक्स्ट इसके बाद आएगा आपका सैल्यूटेशन. रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम. ठीक है, HR मैनेजर दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, सिर्फ HR मैनेजर ही मेल एज वेल एज फीमेल का होना क्वाइट कॉमन है. अगर 50% पॉपुलेशन है तो 50% जॉब्स भी है. ठीक है बेटा, तो इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल. अब ये बोर्ड वर्क जो है ये फटाफट कॉपी करिए, 30 seconds का मैं यहाँ पे पॉज दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट कॉपी करिए, मिलते हैं 30 seconds के बाद.
ओके स्टूडेंट्स, एड्रेसेस तो हमने लिख दी, अब आगे का काम होता है शुरू, यानी लेटर शुरू होगा। आपने अभी तक एड्रेसेस, सैल्यूटेशन, सॉरी सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन लिख दिया, तो अब करते हैं लेटर शुरू। ओके, with reference to your advertisement in DNA, ये भी एक अखबार है जाना माना, डेली न्यूज एनालिसिस, विथ रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट इन DNA डेटेड, 5 अगस्त को आपने एप्लीकेशन बनाया, मतलब 3 अगस्त को आपने एड लिखा, 3 अगस्त 2020 I hereby apply for the post of सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब यहां तक आपका काम हो गया। अब क्योंकि मुझे रेज्यूमे बनाना है, तो मैं इस बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट देता हूं, ताकि कम समय में आपको मैं ज्यादा काम करवा सकूं, कम स्पेस में आपको मैं ज्यादा काम करवा सकूं। ठीक है, सो ये बोर्ड को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपके लिए रहेगा पेज 1 और यहां पे जो होगा वो पेज 2। ओके, हाँ अरे सॉरी, एक चीज को मैं भूल गया, Following are my details. आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर following is my resume, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं resume। एक लाइन लीव करेंगे। पहला पॉइंट जो हमेशा आता है वो होता है बेटा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स, ना पर्सनल डिटेल्स में क्या आएगा, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, नेम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस एंड लैंग्वेजेस नोन। ये टोटल 6 चीजें आपने, नेम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस एंड लैंग्वेजेस नोन। भाई नाम क्या है, नाम है आपने खुद लिखे हैं, 2 नाम आपको बताए थे, दीपक और दीपा। सो दीपक मेहरा। ओके, एज अभी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जेंडर मेल, नेशनैलिटी, अरे थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको हम सीक्वेंस में बना लेते ताकि बहुत अच्छा दिखे, ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर्स। सो यहां ले आते, नेम दीपक मेहरा, एज कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले लेक्चर में आप सबको सिखा चुका हूं एज कैसे कैलकुलेट की है। ओके, उसके बाद जेंडर मेल, ओके, नेशनैलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड, उसमें से आप जो चाहे लिख सकते हैं, अनमैरिड, लैंग्वेज इज नोन, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। ओके, तो यहां पे आपका पहला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद एक लाइन लीव करेंगे, ठीक है बेटा, देन आएगा ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे बेटा? वही ऑब्जेक्टिव जो आपने इसके पहले वाले एप्लीकेशन में लिखा है। सारे जॉब एप्लीकेशन में ऑब्जेक्टिव वही रखिए, दिक्कत ही नहीं, हमेशा सेम। ओके, टू वर्क विथ कंप्लीट डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी टू वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन along with personal career। आपकी कंपनी भले फूले तरक्की करे लेकिन मेरा भी ख्याल रखिएगा, ठीक है? सो पर्सनल डिटेल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा पॉइंट, एकेडमिक रिकॉर्ड। ओके, तो उसमें आपको एक टेबल बना लेना पड़ेगा, चार कॉलम्स होते हैं उसमें, क्वालिफिकेशन, ठीक है, फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी जो भी हो, ईयर ऑफ पासिंग एंड ग्रेड्स, ठीक है। सो क्वालिफिकेशंस आप चार चेक कर लीजिए। एग्जीक्यूटिव के लिए क्वालिफिकेशंस है SSC, HSC, BCom, BA या BSc, जो भी आपका ग्रेजुएशन है। ओके, सो SSC, HSC, BCom, ओके, HSC आपने की होगी, GSEB या CBSE आप जो चाहे लिख सकते हैं, SSC, HSC दोनों इसी तरह से किए जा सकते हैं। तो आप अगेन अगर गुजरात बोर्ड से किया तो GSEB, अगर CBSE से किया तो CBSE, ओके, एंड देन BCom गुजरात यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, क्योंकि अब हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट का बना रहे हैं तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस तो रखेंगे। मतलब ग्रेजुएशन कब हुई होगी? 3 साल पहले, इट मींस ग्रेजुएशन हुआ होगा 2017 में। BCom जो है 3 साल का कोर्स है, मतलब 12th पास किया होगा 2014 में और 10th पास किया होगा 2012। परसेंटेज 78, 69, 63, यू कैन पुट रैंडम, बट कभी भी 90s के लेवल का मतलब दीजिएगा, इम्प्रैक्टिकल नहीं लगना चाहिए, ठीक है? और आपका नेक्स्ट हेड पॉइंट आएगा अदर इंटरेस्ट, बेसिकली रिफर्स टू हॉबीज। तो आप कोई भी यहां पे दो अदर इंटरेस्ट आपके मेंशन कर सकते हैं। ओके, आप कॉमन भी रख सकते हैं। मैं यूजुअली बच्चों को बोलता हूं कि बहुत आसान वाले अदर इंटरेस्ट बताओ, तो बोलोगे भी मुझे कथक डांस करना अच्छा लगता है, उसने बोला करके दिखा दो तो कैसे करो। तो सबसे कॉमन है रीडिंग, लिसनिंग, म्यूजिक, ट्रैवलिंग, ठीक है? सो रीडिंग एंड ट्रैवलिंग, हाँ, आपकी अगर कोई प्रॉपर हॉबी है ऑलरेडी तो वो लिख सकते, ठीक है? अदर इंटरेस्ट हो गया। अब याद करिए, पिछले जॉब एप्लीकेशन में हमने फ्रेशर का जब एप्लीकेशन बनाया था तब अदर इंटरेस्ट के बाद हमने सीधा कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दिया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो यहां पे एंट्री होगी वर्क एक्सपीरियंस, आपको कामकाज का कितना तजुर्बा है। वर्क एक्सपीरियंस, तो भाई वर्क एक्सपीरियंस आपने किसी भी कंपनी में काम किया होगा। ओके, तो देखिए ध्यान से, worked with
Okay. Work through it. Sagar. Financial services as sales executive for 3 years. ब्रैकेट में आप मेंशन करिए कब से कब तक. फ्रॉम जून 2017 टू मे 2020. तो आपका 3 साल का अनुभव हो गया. वर्क विद सागर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर 3 इयर्स फ्रॉम जून 2017 टू मई 2020. अब बेटा यहां से आगे क्या, दो और पॉइंट है जो तुमको बताए जाएंगे, लेकिन गलती से भी जॉब एप्लीकेशन के अंदर वो चीजें मत देना. पहला, एक्सपेक्टेड सैलरी. नेवर एवर मेंशन द एक्सपेक्टेड सैलरी. सैलरी पिच करने का मौका आप अपने एम्प्लॉयर को दीजिए, उसके बाद आप नेगोशिएट कर ही सकते हैं. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड सैलरी कभी ना लिखें. दूसरा, रीजन फॉर लीविंग योर प्रीवियस जॉब कभी ना बताएं, पूछने पर ही बताएं. कभी भी एप्लीकेशन में खुद ना लिखें कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी. मे बी आपका डिस्प्यूट हुआ हो तो आपका इमेज बिगड़ेगा कि भाई ये बंदा तो झगड़े वाला है. समझे बेटा, कभी भी जब तक सामने से पूछा नहीं जाता तब तक रीजन फॉर लीविंग द जॉब ना बताएं. हाँ, कुछ चीजें ओरल कम्युनिकेशन के लिए तो छोड़ना जरूरी है. जब इंटरव्यू होगा, जब लाइव आपसे पूछा जाए तब बताइए. दो चीजें जैसे मैं कह रहा हूं, हमेशा कभी भी मेंशन मत करिए. एक, एक्सपेक्टेड सैलरी. दूसरा, रीजन फॉर लीविंग योर प्रीवियस जॉब. ये दो चीजें कभी भी नहीं लिखना है लेटर के अंदर. तो आप भी ये लेटर के अंदर नहीं लिखेंगे, इतनी ये जो बॉक्स है इसको साइड से मार्जिन स्पेस में लिख दीजिए नोटेबल पॉइंट्स पर कि ये दो चीजें कभी भी मेंशन नहीं करनी. ठीक है बेटा, फटाफट कॉपी ले लीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें लगभग 5 मिनट का काम बाकी है. हमें दो चीजें यहां पे अभी और कंप्लीट करनी है. एक आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालना है, एक डिक्लेरेशन डालना है, और उसके बाद क्लोजिंग पैराग्राफ आएगा. तो 5 मिनट का काम बाकी है, फटाफट कंप्लीट करिए. 30 सेकंड्स का मैं पॉज दे रहा हूं आप लोगों को. डू इट नाउ बेटा. अब स्टूडेंट्स, अभी तक का काम तो आप खत्म कर चुके हैं, बारी है आज के होमवर्क की. हमेशा की तरह, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि होमवर्क जो है मैं लेक्चर के बीचों बीच कहीं ना कहीं आपको दे दिया करूंगा, तो होमवर्क मैं अभी आपको दे रहा हूं. आज आपको जॉब एप्लीकेशन तैयार करना है विद द सेम डिटेल्स. नाम भी वही, कंपनी का नाम भी वही, लेकिन प्रोफाइल अलग. प्रोफाइल क्या, अब कंपनी को रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग मैनेजर, वो भी एक एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग मैनेजर. ठीक है, तो आपका जो अब जॉब एप्लीकेशन होमवर्क में आप बनाएंगे वो होगा एक्सपीरियंस मार्केटिंग मैनेजर का. अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर इसकी क्वालिफिकेशन, अरे चार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास, देखो आराम से देखो, रेफर करो. टाइम कितना लगता है मैं बताता हूं. अगर आप मार्केटिंग मैनेजर के लिए जा रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन आएगी HSC, BCom, BBA, BCom या फिर BBA, दोनों नहीं करने होते, और MBA. अब MBA जो है 2 साल का कोर्स है, और एक्सपीरियंस के लिए मतलब 3 साल का अनुभव. तो 2017 में अगर MBA खत्म किया हो तो आपका BCom खत्म होगा 2015 में, और HSC खत्म होगा 2012 में. ये है years. अब इतना तो बता दिया, आगे का तो खुद करो. ठीक है, तो ये है आज का आपका होमवर्क. ठीक है बेटा,
वैसे फटाफट मिटा दे रहा हूँ और हमारे अधूरे लेटर को हम पूरा करते हैं, ठीक है। अभी तक आप सब लोगों ने टू द पॉइंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस लिखा, बच क्या जाता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, डेक्लरेशन एंड क्लोजिंग पैराग्राफ, ठीक है। तो फिर से हम बोर्ड को दो हिस्सों में बांट देते हैं। अब सबसे पहले आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैंने आपको बताया कि तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आएगा एड्रेस, एड्रेस याद है ना, जे क्या था एड्रेस याद करो, J101 है ना, J101 आई थिंक राधे हाइट्स नाम रखा था मैंने, फिर भी जो नाम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पे एड्रेस एज पर जो मैंने आपको लिखवाया वही ऑपोजिट ग्रैंड सिनेमास मणिनगर अहमदाबाद 08, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एड्रेस। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट नंबर, तो 8800334 9 और X। यार लास्ट टाइम क्या किया था, तुम लोग कॉल कर देते हो लोगों को, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू, तो मैं इसीलिए नंबर अधूरा छोड़ रहा हूँ। ये एक्स की जगह मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, मैं नॉट डिजिट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। कॉन्टेक्ट नंबर, नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, या इवन जिस व्यक्ति के नाम से आप एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीपक 123@gmail.com, ठीक है। आप कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स का पार्ट पूरा हो गया। उसके बाद आता है आखिरी हिस्सा, डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन में क्या आएगा, आई हियरबाय declare that the information provided above is true and fair to the best of My knowledge, मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से वो एकदम परफेक्ट है। तो डेक्लेरेशन खत्म, यहां पे आपका रेज्यूमे खत्म। अब बचता है लेटर का आखिरी हिस्सा, ठीक है। आई अश्योर यू दैट इफ आई विल बी given opportunity I will give my 100% and try to overcome your expectations, ठीक है, expecting a positive response, okay? एक लाइन लीव करेंगे, रिगार्ड्स दी।
दीपक मेहरा। क्या लेटर खत्म हुआ? अरे नहीं, एक छोटा सा काम बाकी। दो लाइन और छोड़िए और फिर लिखिए ENCL यानी enclosure। फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। यहां पे हो जाएगा आपका लेटर खत्म। स्टूडेंट्स, ये सेकेंड लेक्चर था इस सीरीज का। ये टोटल 6 लेक्चर की सीरीज है। अभी तक 6 लेक्चर की सीरीज है। ये दूसरा ही लेक्चर है। हमें आने वाले लेक्चर्स में और भी मजेदार टॉपिक्स को कवर करना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत मजेदार लगा होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी नए तरीके से काम करने वाले हैं। अभी तक आपने पहला मेथड सीखा है, व्हेन रेज्यूमे इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें आप सीखेंगे व्हेन रेज्यूमे इज नॉट द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। रेज्यूमे हम अलग से प्रिपेयर करेंगे। तो क्या बदलेगा, क्या नया होगा, जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। कोविड-19 के चलते आप लोग घरों पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।